आदाब नमस्कार सुप्रभात। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। मंगलवार की सुबह भदोही शहर के स्टेशन रोड जानू शहीद मार्ग चकदीवानगान मोहल्ले के समीप नेशनल यार्न एजेंसी नामक सूत कारखाने में आग लग गई। सूत्रों की माने तो चोरी की बिजली से रात के अंधेरे में कारखाना चलाया जा रहा था, जिससे शॉर्ट सर्किट के चलते कारखाने में आग लग गई। आग लगते ही आसपास के घरों में मौजूद लोगों की जान सांसत में पड़ गई। कारखाना याकूब नामक व्यक्ति का बताया गया है। रिहायशी इलाके में इस कारखाना को संचालित किया जा रहा था। गनीमत रहा कि समय रहते आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देते हुए खुद आग बुझाने में जुट गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने फौरन आग पर काबू पा लिया, अन्यथा कारखाना संचालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश के मुताबिक 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मचा रहा। रिहायशी इलाके में चल रहे इस कारखाने में आग लगने से आसपास के लोगों की जान सांसत में पड़ गई थी। दिखावे के लिए विद्युत कनेक्शन तो लिए गए थे, लेकिन सूत्रों की माने तो चोरी की बिजली से रात को कारखाना चलाया जा रहा था और मंगलवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। भदोही शहर के स्टेशन रोड चकदीवानगान जानू शहीद मार्ग पर रिहायशी इलाके में चलाए जा रहे इस कारखाना संचालक द्वारा अग्निशमन विभाग से न तो सुरक्षा संबंधित प्रमाण पत्र लिया गया था और न ही कारखाने में आग पर काबू पाने के उपकरण मौजूद थे। संयोग अच्छा था कि रिहायशी इलाके में चल रहे इस कारखाने की आग पर समय रहते आसपास के लोगों के सहयोग से फायर विभाग ने काबू पा लिया। जिस स्थान पर यार्न कारखाना संचालित होता था उसी में मकान लेकर कुछ लोग किराए पर भी रहते हैं। आग लगने से लोगों की सांसें थम गई थी। इस संबंध में अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि लापरवाही को लेकर कारखाना संचालक को नोटिस भेजी जाएगी। आग लगने के बाद घटना स्थल पर इस बात की चर्चा रही कि दिखावे के लिए तो विद्युत कनेक्शन कारखाना संचालक द्वारा तो लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर सूत कारखाना चोरी की बिजली से रात के अंधेरे में चलाए जाते हैं। मंगलवार की सुबह इस कारखाने में भी आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। सूत्रों की माने तो चोरी की बिजली से कारखाना चलाया जा रहा था। आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग सहित आसपास के लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। कारखाने में मौजूद मशीन आग से सुरक्षित बच गई है। सूत के कुछ गोले जले हैं। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। हालांकि कारखाना संचालक की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते बचा है। चोरी की बिजली से चलाए जा रहे कारखाने के संबंध में SDO विद्युत भदोही ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। अगर चोरी की बिजली से कारखाना चलाने का मामला सामने आया तो कार्रवाई की जाएगी। सत्यम न्यूज मीडिया आपके जिले का अपना अखबार व चैनल है। ऐसे में आप सत्यम न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। सत्यम न्यूज अखबार के लिए आप अपने नजदीकी समाचार पत्र विक्रेता से संपर्क करें। फिलहाल सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।